यहाँ पे आपको ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करें, PUBG मोबाइल की 3.2 अपडेट आने के बाद बहुत सारे PUBG मोबाइल प्लेयर्स मायूस कुन नजर आ रहे हैं। ये मायूस कुन क्यों हैं? इस हवाले से हम भाई अपडेट करेंगे। हमारे नुमाइंदा इस वक्त मौजूद है एरिंगल के इवेंट पे, अब्दुल अमीन साहब। अब्दुल अमीन, आप हमें सुन सकते हैं? जी जी सुन सकता हूँ जी। अच्छा अब्दुल अमीन, ये बताइएगा, PUBG मोबाइल का 3.2 अपडेट आया है, लोग PUBG मोबाइल पर मायूस कुन क्यों हैं, वजह क्या है? जी जी मेटल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एरिंगल के इवेंट पे। पिछली आप शोर भी सुन सकते हैं, बहुत ज़्यादा शोर है, डज इवेंट अभी शुरू है। लोग मायूस कुन क्यों हैं, आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मैं बताता हूँ। ये जो इवेंट है, पहले हमारे पास 3-3 रिकॉर्ड थे, हम 55-55 किल कर देते। अब हमारे पास दूसरा रिकॉर्ड बड़ी मुश्किल से मिलता है। अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये इवेंट सब मेटल का बना हुआ है, ना फर्स्ट फ्लोर का पता है, ना सेकंड का, ना थर्ड का। 40 FPS वाला, 20 वाला कैंपर हजरात पीछे छुप जाते, एकदम से तुम्हारा दिल निकालते। और सबसे आखिरी जो बात ये है, इसका जो बड़ा बम्बू है रिबोट, ये आपको घरों से निकलने नहीं देता। जब भी यहाँ से ये जनरेट होता है तो सारे एरिंगल में द्रब द्रुप आपको घरों से निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो ये मायूस कौन इस वजह से हैं? अच्छा ये अब्दुल अमीन, साथ साथ ये भी बताइएगा, 120 FPS जो आए हैं इस अपडेट में, आवाम का क्या राय है इस हवाले से? 120 FPS के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं, इसके हवाले से लोगों का, लेकिन मेरे पास तो 20-20 है ना, मेरे पास तो हैं, लेकिन ये जो लो एंड डिवाइसेस हैं, मतलब ये जो वीवो शीवो और जितने छोटे छोटे खेल रहे हैं, ये बड़े बर्बाद हो चुके हैं। 120 FPS वाले जो हमारे जैसे प्लेयर हैं, वो उसको जब मारते हैं, कवर में मारते हैं, बेचारे को पता ही नहीं लग जाता कहाँ से पड़ती हैं। तो आई थिंक ये बड़ी ज्यादा हुई है। अगर मैं मर्ज बकबर होता या हम मालदार होते तो एक दूसरे को डिवाइस देते, लेकिन ये गरीब लोग हैं, 30 FPS में और 120 FPS में बेचारा क्या करेगा, क्या कॉन्कर करेगा, क्या रैंक पुश करेगा? तो लोगों का दिल भर चुका है। बहरहाल इंशाल्लाह इंप्रूवमेंट आ जाएगी, लेकिन फिलहाल एरिंगल से ये सूरत हाल थी। जी मेडल, बहुत शुक्रिया अब्दुल अमीन अपडेट करने के लिए। थे हमारे नुमाइंदे एरिंगल में मौजूद है इस वक्त इवेंट के ऊपर, सारी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, मजीद भी न्यूज़ शामिल करने के, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक।